वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और देखना मौत ना आने पाए मगर फरमाबरदारी की हालत में। यहां पर भी आमतौर पर तर्जुमा कर देते मुस्लिम होने की हालत में। मुस्लिम तो हम गुनाह कर रहे हैं तब भी मुस्लिम है, गुनाह से पहले भी मुस्लिम है, गुनाह के बाद भी मुस्लिम, ये नहीं है मतलब। फरमाबरदारी मुस्लिम के असल मानी क्या है? मौत नाफरमानी की हालत में कहीं ना आ जाए तुम्हें, वो कोई जमानत तुम्हारे पास नहीं है कि तुम किसी गुनाह का इर्तिकाब कर भी चुकोगे, फिर तुम्हें तौबा का वक्त भी मिल जाएगा, फिर मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। क्या मालूम ऐन उस गुनाह के इर्तिकाब के दौरान मौत आ जाए, वो मौत कैसी होगी? शायद आपके इल्म में हो, लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर थे और उनकी मौत बहुत ही मकरूह हालात में वाकई हुई। रात को 2-3 बजे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, शराब खाने से निकले, नशे में धुत, चक्कर आया, गिरे और साथ ही बदरौ जा रही थी गंदी नाली, उसमें गिर गए, वहां से लाश बरामद। कैसी मौत है ये? नाफरमानी की हालत में मौत आई है, शराब के नशे की हालत में मौत आई है। और क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स बदकारी का इर्तिकाब कर रहा हो रैन उसी फेल के दौरान मौत आ जाए? अच्छा, अब अगर आपने तय कर लिया नहीं मरूंगा मगर हालत फरमाबरदारी में, तो उसकी एक ही शक्ल है, कोई लम्हा भी नाफरमानी में बसर ना हो, मबादा उसी लम्हे मौत आ जाए। हर लम्हे का पहरा दीजिए, हर साथ की पूरी हिफाजत कीजिए, कहीं नाफरमानी का कोई इर्तिकाब ना हो और ऐन उस हालत में कहीं मौत ना आ जाए। मैं वो हदीस आपको सुना चुका हूं, ला यजनी जानी ही ना यजनी वह मोमिनुन, कोई जानी हालत ईमान में जिना नहीं करता, जब वो जिना कर रहा होता ईमान उसके दिल से निकलकर ऊपर सर पर मंडलाता रहता। कोई चोर हालत ईमान में चोरी नहीं करता, वला यसरिकु सारिकु हिना यसरिकु वहुवा मुमिनुन, कोई शराबी हालत ईमान में शराब नहीं पी सकता, वला यशरबुल खमरा हिना यशरबु वहुवा मुमिनुन। अगर ईमान भी हो दिल में और ये हरकत भी हो रही हो तो वो ईमान 2 पैसे का नहीं, 2 टके का नहीं, क्या उस ईमान की कीमत है, क्या कदर कीमत है उसकी? अब अगर ऐन उसी हालत के अंदर मौत आ गई तो ये तो खुलू ईमान है, ईमान का खाली हो जाना है। ये है वो बात जो कही गई। अब ये इस्लाम और तकवा, इन दोनों को यहां नोट कर लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ए ईमान के दावेदारों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना कि उसके तकवा का हक है, और देखना मौत ना आने पाए मगर फरमाबरदारी की हालत।